कोई भीड़ बहुत हो रही है यहाँ पर ब्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी वो नहीं मिल रहा मौका, फिर भी मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपना काम ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 22 नवंबर और आज सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं अभी, और जल्दी से कुछ खाएंगे और फिर नहाएंगे और फिर हम जो भी करते हैं आज के दिन जहाँ भी जाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। सैनवाज भाई नाश्ता कर रहे हैं, चाय और टोस्ट का, ये सब हमारे बैग वगैरह तैयार हो गए हैं जयपुर में। अभी हम जयपुर से हमें जाना सीख कर, क्योंकि मौसी की लड़की की भी शादी है। मैं भी नहा लिया हूँ, कपड़े वगैरह बदल लिए मैंने, कि बैग में थोड़ी सी देर में हम निकलेंगे। यहाँ पर हम आए रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो करने के लिए, यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाता है, यहाँ से ऑटो करके घर ले जाएंगे, फिर वहाँ से हम सामान वगैरह रखेंगे। देखो एक ऑटो आ रहा, बात करते हैं। ऑटो हमने कर लिया है, ये आगे से कुछ ऐसा है, एक पीछे से ऐसा है, सामान रखने में आसानी होगी। बस आप घर की तरफ ले जा रहे हो तो फिर वहाँ से सामान वगैरह रखेंगे। ये तैयार, जल्दी से निकलने के लिए तैयार है, हम रख लिया है, इतने बैग है हमारे पीछे, ये 2-3 बैग आ गए हैं, यहाँ हम बैठेंगे। तो अब फाइनली ऑटो में बैठ चुके हैं, अब ऑटो हमारा निकल चुका है, 1 बजे की हमारी ट्रेन है, लगभग 12 बज चुके हैं, अब 1 बजे तक हम पहुँचेंगे, ट्रेन वहाँ मिल जाएगी, और 4 से 5 बजे तक हम सीकर पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहन को लेने जा रहे हैं हम, क्योंकि शादी के 1-2 दिन बाद लड़ी आ रही है, जिसे कहते हैं वो रस्म होती है, बहन को लेके आते हैं घर पे, तो वो करने जा रहे हैं। और हाँ, मौसी की लड़की की भी शादी है। देखो ये नानी होके किराया भी हमसे लेती है, कुछ तरीका है भीख मांगने का। ये सामान सारा रख लिया ऑटो से उतरने के बाद। हाँ नानी, और आगे रेलवे स्टेशन पर कितने बजे की ट्रेन आपने? 1 बजे की। और इस प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी ट्रेन घर से, ये देखिए आप। तो गाइस, फाइनली रेलवे स्टेशन पे हम आ गए, ये देखो मेरे पीछे, यहीं से ट्रेन में हम बैठेंगे। अभी करीबन 12:30 बज चुके हैं, हमारी जो ट्रेन है वो 1 बजे की है। गाइस, जो जयपुर से सीकर का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर या 114 किलोमीटर है करीबन, अगर बिना रुके ट्रेन चले तो करीबन 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई तो 3 घंटे तो लग ही जाते हैं करीबन, बट अब लेकिन 1 बजे की ट्रेन है तो अनुमान लगाओ 4-5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। ये जो पूरा रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो, ये ढेर का बालाजी है, यहाँ से सीकर की ट्रेन जाती है। मेरे को तो सीकर की पता है, बाकी पता नहीं, क्योंकि मैं इस रेलवे स्टेशन में पहली बार आया हूँ, बाकी जो इससे पहले हम बैठे हैं मेन जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम बैठते हैं, बट आज पहली बार यहाँ से बैठ रहे हैं सीकर के लिए। तो बस अब 15-20 घंटा रह गया है, देखो ट्रेन आने में। गाइस, लग रही थी हमें भूख, पेटिस ले लिया, इसको खाएंगे। गाइस, मैं इंतजार कर ही रहा था मेरे भाई का। ये क्या है यार, तो मेरा भाई मेरे बिना रह नहीं सकता, तो ये भी जा रहा सीकर, क्योंकि हमारे भात भी है ना, और बहन को लेने भी जाना हमें। तो बस अब ट्रेन आ जाएगी, उसमें बैठेंगे, फिर अंदर फुल मस्ती करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। क्यों भाई? हाँ भाई बिल्कुल। तो यहाँ पर पानी भर रहे हैं, क्योंकि कम से कम 10 से 15 लोग हैं हमारे साथ, है ना, सबको प्यास लगी बीच बीच में, क्योंकि सफर में पानी ले जाना जरूरी होता है। गाइस, हम बैठ चुके ट्रेन के अंदर, ट्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिल रहा, फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ी थोड़ी क्लिप लेने की। अभी एक जगह ट्रेन रुकी है, इससे आगे 2 स्टेशन रुकेगी, फिर हम सीकर उतर जाएंगे। अभी हाँ भाई, क्या खा रहा है तू? ये क्या खा रहा है? सुपारी। विमल बोलो जुबा केसरी। तो फिलहाल ट्रेन वाले भाई साहब ने पिछले 1/2 घंटे से ट्रेन रोक रखी है, पता नहीं क्यों नहीं चला रहे हैं,
किस बात से नाराज है? लग रहा है 55 रुपये में माने नहीं, 100 रुपये की टिकट लेनी चाहिए थी, लेकिन आधे घंटे से हम रुके पड़े हैं, चल नहीं रही ट्रेन, देखते हैं और कितनी देर रुकेंगे। तो ये आधे घंटे भाई ने रोक के गाड़ी अब चलाए हैं, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि हमें 3:15 तो यहीं बज गए, 4:05 बज जाएंगे सीकर पहुँचते पहुँचते, और अब तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, जगह भी नहीं मिल रही खड़े होने की। अब थोड़ी देर में अब जैसे जैसे रुकेगी वैसे आपको दिखाते जाऊंगा, और जब पहुंचेंगे दिखाएंगे। तो अब ये ट्रेन रुकी है चोमू पे, अब देखते हैं यहाँ पर रुकेंगे भाई साहब। लेला लेला बैठ 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 जल्दी बैठ जल्दी बैठ, मतलब चलने वाली है ट्रेन। मोल मुड़ी पे चोमू में रुके, चोमू में देखो रिंगस गया है, बस इसके बाद अगला स्टेशन सीकर है भाई। 2 घंटा आगे रिंगस निकल गया, चोमू निकल गया, अब अगला स्टेशन सीधा सीकर है, बस 20-1 मिनट का रास्ता है, फिर हम सीकर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ सीकर पहुंच चुके हैं, आगे सारे बंदे चल रहे हैं हमारे, मतलब कि मामा भाई सब चल रहे हैं, पीछे देखो मम्मी चल रही है। तो गाइस हम सीकर पहुंच चुके हैं, आया फुल की तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक रहे हैं, फिर हम जाएंगे मौसी के घर पे। तो अब मैं और मेरे भाई अनस और सब लोग बैठ गए ऑटो के अंदर, बस थोड़ी सी दूर है मेरी मौसी का घर, वहाँ जाएंगे चाय नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे, और मैं तो थोड़ी देर सोऊंगा भाई। ये मेरे मामा बैठे हैं अंदर, अफजल भाई हमारे, अफजल भाई आए तो कर दो एक बार। क्या बात, देख ले कर वो। तो फाइनली अब हम आ गए हैं यहाँ पर मौसी के घर पे, अब पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद कुछ करेंगे। आई तो बैठा हूँ मैं अच्छा हूँ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं बिरयानी बना रहा हूँ। हाँ, इतने दिन क्या करा तूने? मैंने चीज खाया हाँ। और मुझे याद करा देखो खाने के लिए मैं मिला है को पैसा बर्बाद। ये कमरा दिया गया है देखो, यहाँ सब सामान वान आ गया, ये अयान है, वो अम्मू है, शहनवाज दा बाउंसर, ये तो पता ही बुल्ली है, ये कमरा है। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब बस ये थोड़ा पेट कुछ खा लेते तो अच्छा लगता है, अंदर पेट वगैरह थोड़ा भर गया है। अब रात को यहाँ पास में वलीमा हो रहा है तो वहाँ जाएंगे, उसकी दावत तोड़ेंगे, बस अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, फिर इधर उठने के बाद मिलता हूँ आपसे। अभी नींद आ रही है, आपको मैं थक गया हूँ, भला कुछ खा लिया इसलिए थोड़ा पेट भरा मेरा, सुना किसी सो के उठ गया, सो गया था मैं यहीं पास में, किसी रिश्तेदार का वलीमा हमारे, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, फिर आके दोबारा से देखेंगे। तो गाइस हम जहाँ वलीमा आए वहाँ पर हम आ गए, मैं नौशाद भाई और अनस भाई आ चुके हैं, मतलब थोड़ी सी देर में खाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, भूख लग रही है, चलो यार चलो खाना वगैरह खाते हैं, और मैं आपको पूरी डेकोरेशन दिखा दूँ जितनी भी है, और फिर अपन खाना वाना खाते हैं फिर घर जाना यार, क्योंकि रातों के थक गया मैं बहुत ज़्यादा, सुबह से थका हुआ हूँ, पहले जाते खाना खा लेते, फिलहाल आ गए हूँ, थोड़ी देर रुकेंगे फिर खाना खाएंगे। सब खाना खाने के लिए जा रहे हैं, देखो जगह जो ये है पूरी, इसको मदीना महल के नाम से जाना जाता है सीकर के अंदर, ये स्टेज है, स्टेज यार बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा भाई आज कितनी रोटी खाओगे आप? भाई जितनी पेट में आएगी, जितनी पेट में आ जाएगी। सुबह से यार हम रेल में, हमारे को बिल्कुल भी जगह में नहीं लिया, हम थक गए थे ना,
भाई मेरे को तो भूख चलो पहले फोटो शूट कर दे फिर खाना खाएंगे। हाँ बिल्कुल खाना दे दो भाई भूख लग रही है। चले फिर खाना खाने चला चलो बहुत जल्दी चलो गाइस हम पहले खाना खा लेते हैं फिर आपको खाने को दे रहे दिल्ली भी ले जाना तेरे को भाई सही सलामत खो जाएगा घूम मत खामा का। गाइस जो खाने की जो है सब कुछ इंतजाम हो गया है बैठ गए थोड़ी सी देर में खाना चालू होगा खाते हैं फिर हम तो सफर आज का दिन ख़त्म हो गया गैस सुबह स्टार्ट करा था व्लॉग मैंने उठा था फिर यहाँ कैसे आए सीकर के अंदर क्या क्या हाँ पूरे दिन हुआ तो आज का व्लॉग बस यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो शेयर करो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं करा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।